हाय फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं बात करूंगा सुपरमैन एंड लोइस सीजन 1 के एपिसोड्स के रिव्यू के बारे में। सुपरमैन एंड लोइस सीजन 1 ये एक एक्शन ड्रामा सुपरहीरो शो है जिसके सीजन 1 में करीब 13 एपिसोड होंगे, जिसके अभी तक 6 एपिसोड्स को रिलीज कर दिया गया है। वहीं हर एक एपिसोड की लेंथ करीब 40 से 50 मिनट के बीच में है। वहीं ये शो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही अवेलेबल है। इसे रिलीज किया गया है DCW पर। वहीं इसी के साथ साथ इसके सीजन 2 को भी कंफर्म कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स, जब इस शो के फर्स्ट एपिसोड को रिलीज किया गया था, जिसका मैंने रिव्यू भी किया था, तो तभी ही मैंने ये क्लियर कर दिया था कि इस शो को एक काफी अलग कॉन्सेप्ट के साथ बनाया गया है, जिसके चलते ये शो सुपरमैन की फिल्मों और एनिमेटेड शो से काफी ज्यादा अलग बनता है और इंटरेस्टिंग भी, क्योंकि ये शो सुपरमैन यानी क्लर्क कैंट की लाइफ की उन्हीं चीजों को रिपीट नहीं करता जिन्हें हमने पहले भी कई सारी फिल्मों और शोज में देखा है, जैसे उसका अर्थ पर आना, अपनी पावर्स को समझना, लुईस लेन से मिलना और इन सब के बीच कई सारे विलन्स का सामना करना। ये शो इन सभी चीजों को अगेन रिपीट नहीं करता। ये शो फोकस करता है क्लार्क और लुईस की आगे की लाइफ पर, जहां दोनों पेरेंट्स हैं और उनके दो बेटे जॉर्डन एंड जोनाथन, और उन दोनों के पास क्लार्क जैसी सुपर पावर्स है या नहीं, और अगर है तो वो उन्हें किस तरह से यूज करेंगे, और वहीं उनकी पावर्स के बारे में किसी को पता चला तो क्या होगा। वहीं शो में हम लुईस लेन को अपनी जॉब को लेकर स्ट्रगल करते हुए भी देखते हैं मॉर्गन एच नाम के इस शख्स के आने के बाद। वहीं क्लार्क जो सुपरमैन है और उसे अर्थ को प्रोटेक्ट करना है, वहीं उसी के साथ साथ उसे एक फादर और हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी पूरा करना है, और इन सभी चीजों पर ये शो फोकस करता है, और वो भी बहुत नहीं बल्कि काफी अच्छे से। जिसके एपिसोड्स की बात करूं तो शो के अभी तक टोटल 6 एपिसोड्स आ चुके हैं और 7वें एपिसोड के लिए मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूं। पर फिलहाल बात करूं 6 एपिसोड्स की, तो उनमें जिस तरह से स्टोरी को प्रेजेंट और कैरेक्टर्स को डेवलप किया गया है, उसके लिए शो की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। स्पेशली कैरेक्टर डेवलपमेंट जो शो में काफी अच्छे से की गई है। वहीं शो में सभी की परफॉर्मेंस भी अगेन काफी अच्छी। वहीं बात करूं बाकी चीजों की, जैसे VFX, डायरेक्शन, PGM और एडिटिंग भी, तो वो सब भी शो में परफेक्ट है, स्पेशली डायरेक्शन और VFX, और हाँ शो के एक्शन भी जो इतने ज्यादा बढ़िया हैं कि इस शो को किसी बिग बजट मूवी से काफी आराम से कंपेयर किया जा सकता है, क्योंकि शो का डायरेक्शन और VFX सच में काफी ज्यादा बढ़िया है। तो ओवरऑल ये था सुपरमैन एंड लुईस के रिलीज हुए 6 एपिसोड्स को लेकर मेरा रिव्यू, जिसे लेकर मेरी राय अभी भी वही है कि आपको इस शो को बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। पर अगर आपने इन एपिसोड्स को देखा है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको ये शो कैसा लगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और एक बेल आइकन आएगा उसको भी दबा देना, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।